दोस्तों आज के समय में यातायात के कई सारे साधन मौजूद है, चाहे वो रोड पर चलती हुई हाई स्पीड कार्स हो या फिर पटरियों पर दौड़ती ट्रेन। और हाँ दोस्तों, आसमान में उड़ने वाले एरोप्लेन के बारे में हम भला कैसे भूल सकते हैं। और तो और पानी के जहाज भी किसी से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों, पानी के अंदर ट्रेन को चलाना यातायात के साधनों की सबसे बड़ी और अनोखी पहल है। और तो और मुंबई से दुबई तक का सफर, वो भी पानी के अंदर से निकलती हुई ट्रेन से, ये बात भले ही चौंकाने वाली हो लेकिन बिल्कुल सच है। लेकिन आज मैं यानी कि आपका दोस्त और होस्ट सैम आपके फेवरेट चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम जानेंगे कि कैसे हुई ट्रेन पानी के अंदर इतना लंबा सफर तय करेगी। दोस्तों इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा क्योंकि ये वीडियो आपको भी चौंका कर रख देगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करना मत भूलिएगा ताकि भविष्य में ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए ला। दोस्तों भारत और यूनाइटेड अरब अमीरात यानी कि यूएई मिलकर इस प्रोजेक्ट को पूरा करेंगे। दोस्तों नेशनल एडवाइजर ब्यूरो लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ कंसल्टेंट अब्दुल्ला अल सही ने इस बात का खुलासा भी किया है कि यूएई फुजेरा बंदरगाह से मुंबई के बीच ट्रैक बिछाएगा और समुद्र से दुबई से मुंबई तक का रास्ता 2000 किलोमीटर से भी कम हो जाएगा, जिस पर अंडर वाटर सुपर हाई स्पीड बुलेट ट्रेन इतना लंबा सफर महज 2 से 3 घंटों में पूरा कर देगी। दोस्तों इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ यात्रियों को लाभ होगा बल्कि यूएई और भारत के बीच संबंध भी अच्छे होंगे। आपको क्या लगता है, समुन्दर के अंदर ट्रेन चलाना कोई आसान काम है? आप खुद ही सोचिए, अगर कभी समुन्दर की लहरें तेज हो गई तो क्या कुछ नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों इस बात पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत और यूएई के बीच भी अपने चेक पॉइंट बना सकते हैं या फिर सबसे पहले इस ट्रेन का इस्तेमाल माल ढोने के लिए किया जा सकता है। दोस्तों अगर ये प्रोजेक्ट कामयाब हुआ तो दुबई से भारत इस ट्रेन के जरिए तेल भिजवाया जाएगा और भारत से पानी दुबई तक पहुंचाया जाएगा, जिससे दोनों जगह की जरूरतों को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों यूएई और भारत के इस रेलवे नेटवर्क के बारे में सुनकर दुनिया भर में खलबली मच गई है क्योंकि 2000 किलोमीटर लंबा ये अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट अगर बन गया तो ये दुनिया का सबसे लंबा अंडर वाटर रेल प्रोजेक्ट होगा। जबकि नंबर 1 पर चीन इस दिशा में काम कर रहा है, जहां पर वो 4 देशों को जोड़कर अंडर वाटर प्रोजेक्ट तैयार कर रहा है। दोस्तों अगर भारत और दुबई के बीच ये वाटर ट्रेन चल गई तो ये किसी अजूबे से कम नहीं होगी और हमारा देश इस प्रोजेक्ट में काफी लाभ उठाएगा। दोस्तों आपका इस प्रोजेक्ट के बारे में क्या ख्याल है, हमें कॉमेंट में बता दीजिए। दोस्तों जापान की मदद से मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक अंडर वाटर रेलवे सिस्टम बनाने की तैयारी हो रही है। 508 किलोमीटर लंबा रेलवे कॉरिडोर समुन्द्र के अंदर 21 किलोमीटर लंबी सुरंग द्वारा बनाया जाएगा और दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट में 97,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इसीलिए इस प्रोजेक्ट में जापान की मदद ली जा रही है ताकि वो भारत को सपोर्ट करके उसे आगे बढ़ाने में मदद करे। दोस्तों चीन, जापान, कनाडा और अमेरिका जैसे देशों में अंडर वाटर प्रोजेक्ट तेजी से बढ़ रहे हैं और अगर हमारा देश भी इस दौड़ में आ जाएगा तो हमारा देश विकास की तरफ एक और कदम बढ़ा देगा, क्योंकि अगर भारत इसी तरह डेवलपमेंट करता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश बन जाएगा। दोस्तों वक्त है आपसे अलविदा लेने का। उम्मीद करते हैं जितना मजा हमें वीडियो बनाकर आया उतना ही मजा आपको वीडियो देखकर भी आया होगा। तो फिर देर किस बात की, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि लोगों को पता चले कि कैसे हमारा देश धीरे धीरे तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता जा रहा है। ऐसी वीडियो को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो कर देना यारो।